Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So in continuation with the series for GS1 history, so today's question is Mahatma Gandhi and B.R. Ambedkar, despite their having divergent approach and strategies, they had a common goal of amelioration of the downtrodden. So we have to elucidate on this thing. So Ashok, please explain your answer first. मैंने सिंपल स्टार्ट किया कि दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन सोसाइटी इन 20th सेंचुरी। मैंने बोला देयर मेथड वर डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट डाइवर्जेंट अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। तो मैंने तोड़ दिया बेसिकली, हर एक पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ लिखा है मैंने तोड़ दिया महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का, कि ही वॉन्टेड टू ट्रांसफॉर्म द कंसाइंस ऑफ द ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थ्रू सत्याग्रह अहिंसा। नेचुरल सोशल ट्रांसफॉर्म चाहते थे वो, लेकिन बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल यूज करे, कैसे लेजिस्लेट करे ऑन द इशू ऑफ अनटचेबिलिटी, नीचे करें। फॉर एग्जाम्पल हिंदू कोड बिल हो गया और SC ST का रिजर्वेशन। गांधी जी बताते थे कि स्वराज होना चाहिए हर के लिए और सबके लिए काम करना चाहिए बेसिकली। और बी आर अम्बेडकर बात करते थे कि इमेजिनेशन इमेंसिपेशन जब तक नहीं होगा डाउन ट्रोडन का, तब तक स्वराज अचीव नहीं होगा। तो कोई इसमें अपीजमेंट या कोई बीच में आपस में सहमति नहीं होना चाहिए। गांधी जी बात करते थे मोर फोकस ऑन अबाउट इंडिविजुअल सेल्फ और राम राज्य वेयर एवरी पर्सन वुड बी फ्री, बट एट द सेम टाइम ही सपोर्टेड अ वर्ण सिस्टम। लेकिन बी आर अम्बेडकर अपोज द रिलीजियस डॉगमा कम्प्लीटली। तो ये बताते वो बोलते थे कि टेक्स्ट अगर वो सपोर्ट कर रहे इल तो उसको बॉन्ड या उसको रिमूव करना चाहिए। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस गांधी जी और बी आर अम्बेडकर गॉट टूगेदर फॉर अ कॉम्प्रोमाइज इन पूना पैक्ट, मतलब बेसिकली बिकॉज दे बोथ थॉट दैट यूनिटी ऑफ द हिंदू सोसाइटी नीड्स टू बी प्रिजर्व। ये बताना डाइवर्जेंट व्यू था मेरा बात था कि, लेकिन तब भी वो लास्ट में गोल सेम ही था। क्वेश्चन तो मैं बोलूं तो हाँ बोले। पहला पेज जो आपने लिखा, सबसे पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो मतलब सब स्टैंडर्ड है तो बोलूंगा। हाँ दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं कह रहा था आपको कि मतलब आप तोड़िए अंबेडकर जी और गांधी जी को, लेकिन आपने तोड़ दिया है। मतलब आपने पहले गांधी जी का सब कुछ बताया, फिर आपने बी आर अम्बेडकर का बताया, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि डाइवर्जेंट होने के बावजूद भी सिमिलर गोल्स हैं एमिलियोरेशन ऑफ डाउन ट्रोडन। तो डाउन ट्रोडन की बात आप दूसरे पेज पर जाकर कर रहे हैं, दूसरी चीज। उसके बाद आप बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के डाइवर्जेंट व्यूज को साथ लेकर, यानी गांधी और अम्बेडकर की दोनों की एक टाइम पर बात करते, उनके एक टाइम पर डाइवर्जेंट व्यूज दिखाते, और उसी टाइम साइमल्टेनियसली आप ये दिखाते कि दोनों के होने के बावजूद कैसे कॉमन गोल पर आए। तो मुझे ये आंसर थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन से थोड़ा हटके लग रहा है। मतलब कॉमन गोल तो यही था अमेलियोरेशन ऑफ डाउन ट्रोडन, बट यहाँ पे इनका मेंशन थोड़ा कम लगा। अब हर पॉइंट में ये नहीं लिखोगे ना कि क्या कॉमन गोल था। कॉमन गोल तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि इट वाज ऑफ अमेलियोरेशन ऑफ डाउन ट्रोडन, बट किस तरीके से अप्रोच डिफरेंट थी। इलुसिडेट बताना है कि बेसिकली डिफरेंट अप्रोच कैसे था, स्ट्रेटजी क्या डिफरेंट था। हाँ तो डिफरेंट मैंने ये बता दिया वो तीन बताना। अलग अलग स्ट्रेटजी दोनों तरफ से, लेकिन लास्ट में मैंने कॉमन गोल लिखा है कि उनका दे वांटेड टू प्रिजर्व द इंडियन सोसाइटी का बाकी, ताकि तब पूना पैक्ट एक तरह से। तो ठीक है ठीक है, दूसरा देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है कि डाउन ट्रोडन दे आल्सो कॉल्ड हरिजंस फेस्ड ऑप्रेशन ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो उनके इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए मल्टीपल वेज में, आइडियोलॉजीज में, गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर दे वर्क फॉर इट। सो सबसे पहले मैंने मतलब ऐसे एड्रेस किया है कि पहले सारे मैंने महात्मा गांधी के बारे में बात करी, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए डिफरेंट एरियाज में, उसके बाद फिर बी आर अम्बेडकर के पॉइंट्स में लेके आई हूँ ताकि एक मतलब कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और हम फिर कंपेयर भी कर पाए। तो मैंने बात करी है यहाँ पे नॉन वायलेंस सत्याग्रह की, सो दैट सोशल इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस किया जाए, और देन महात्मा गांधी ही एडवोकेटेड फॉर सेल्फ रिलायंस, पावर डेवल्यूशन टू द लोकल बॉडीज, मॉरल और एथिकल रिफॉर्म्स की बात की गई सोशल चेंज के लिए, एजुकेशन की बात कही कि आप स्किल्स को प्रमोट करेंगे एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज पे फोकस किया गया रादर देन ऑन मेयरली अकेडमिक थिंग। देन ही टॉक्ड अबाउट रूरल पुअर एंड पेजेंट्स एंड सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस एंड प्रमोटेड रूरल इंडस्ट्रीज। देन फिर मैंने बी आर अम्बेडकर सर की बात करी है, हाउ हिज अप्रोच वाज डिफरेंट, सो ही फोकस्ड मोर ऑन लीगल एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट
ही सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससीज एसटी, बहिष्कृत हितकारी सभा उन्होंने बनाई फॉर द वेलफेयर ऑफ दलित्स, एंड ही लाइक परस्यूड देम फॉर एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट. लेबर राइट्स की बात करी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करी. सो मैंने एंड में कंक्लूड किया है कि देयरफॉर वी सी कि कॉज वाज सेम बट गांधी जी ही फॉलोड मोर ऑफ सोशल अप्रोच विद द इंक्लूसिव एंगल विद इन इट. मतलब नॉट ओनली जस्ट डाउन ट्रोडन बट पूरी सोसाइटी को थोड़ा लेके चल रहे थे. एंड बी आर अम्बेडकर सर ही टुक मोर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अप्रोच. So that's how I concluded. मोशिक, आप बोले भाई, मुझे बेसिकली बाकी आंसर ठीक लगा, लेकिन इंट्रोडक्शन मुझे पूरी गलत लग रही है. इंट्रोडक्शन में मतलब समझ इंट्रोडक्शन नहीं में आ रहा आपने था. ये बोल हाँ दिया कि डाउन ट्रोडन आपका आंसर हरिजन अच्छा है, डाउन फ्रीडम ट्रोडन फाइटर, वाज कॉल्ड एन हरिजन दलित. ये कैसे हो सकता है? यस हरिजन्स को ही तो बोलते थे, और किसको? नहीं, एससी एससी दलित को बोलते थे ना हरिजन. डाउन तो ट्रोडन टाइम मतलब प्रेजेंट आ गया, तो बाकी सब सही है. मतलब यही आना चाहिए था बेसिकली, ब्रॉड आंसर है ये. बता सब चीज लेके, मेरा आंसर ब्रॉड नहीं था. डाउन ट्रोडन मैंने सिर्फ एस सी एस टी लेके चला जो गलत था. इसमें सब चीज है, मैं लोकल बॉडी, सोशल चेंज, वेमेन हो गया, फिर एजुकेशन का हो गया. प्रेजेंट आ गया, लेबर आ गया. हाँ अच्छा है आंसर. बस इसमें लास्ट में लेके आते कि पुणे पैक्ट वाला भी लेके आते, और वो मेरे को थोड़ा नैरो बस और लगा, क्या. तो कंक्लूजन में मैंने थोड़ा ब्रॉडरली एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ एक गांधी. पॉइंट में लेके आते, मतलब के एस सी एस टी में बस एक पॉइंट में पूरा कर दूंगा, बाकी ठीक. यहाँ पे मैंने बताया कि गांधी एंड अम्बेडकर रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट स्ट्रेटजीज टू फुलफिल देयर कॉमन गोल टू मेक इंक्लूसिव एंड यूनाइटेड इंडिया बाय ब्रेकिंग डाउन ट्रोडन इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी. तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बड़ी है क्योंकि तो पेज भी थोड़ा शॉर्ट था. उसके बाद मैंने बताया, दोनों को मिक्स लेकर चला हूँ, कि गांधी ने अडॉप्ट किया कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच एंड एम टू फुलफिल दिस गोल इन द ट्रेडिशनल सोशल स्टेटअप. जहां तक अम्बेडकर की बात है, तो वो इंटीमेटली कंसर्न थे अपनी कम्युनिटी के इंटरेस्ट ओवर द नेशनल इंटरेस्ट. उसके बाद मैंने बताया कि गांधी बिलीव इन द कंसाइंस ऑफ द एलीट्स एंड द अपर कास्ट टू रेक्टिफाई द हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऑन डाउन ट्रोडन लाइक हरिजन, ट्राइबल माइनॉरिटीज, एंड अपील्ड देम इन मोर इन टर्म्स ऑफ मोरल सुएशन. वेर एज अम्बेडकर यूज डायरेक्ट एक्शन स्ट्रेटजीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल टू गेट सोशो इकोनॉमिक पोलिटिकल राइट फॉर डाउन ट्रोडन रिफ्लेक्टेड इन द पूना पैक्ट. गांधी ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ एंशियंट टेक्स्ट हिंदुइज्म कास्टिज्म एज अ सोशल डिविजन ऑफ लेबर वॉज टू अपलिफ्ट बैकवर्ड्स विद इन द एस्टेब्लिश सोसाइटल फोल्ड. बट अम्बेडकर चैलेंज द कास्ट बेस्ड सोशल ऑर्डर इज हाईली डिप्रेसिव एंड इवन चैलेंज द रूट्स ऑफ हिंदुइज्म टू जस्टिफाई हिज कम्युनिटीज इंटरेस्ट. बट इन द लास्ट वी मे कंक्लूड दैट बोथ वर ट्राइंग विद देयर यूनिक मेथड ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया. मैं बताता हूँ, इसमें आपका आंसर मानसी का आंसर मिला देना तो बेस्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली. मतलब आपने ना ये जो लिखा है ना कंसाइंस ऑफ द एलिट, ऐसा वर्ड अच्छा है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस, मॉरल परसुएशन. लेकिन एक जो पॉइंट गलत हो सकता है मुझे, जो हाँ हमने गलत किया इसमें, क्योंकि अम्बेडकर ऑलवेज कंसर्न विद द कम्युनिटी इंटरेस्ट ओवर नेशनल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ये ये जो गलत. पॉइंट है हाँ ना, ये डायरेक्टली गलत है. ये बेसिकली मतलब उस टेक्स्ट में है, तो रामचंद्र गुहा में. लेकिन रामचंद्र को यूपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो तो लिख सकते हैं, यूनिवर्सल चीज लेकिन बोल मतलब आपने कि ऑलवेज. यूनिवर्सल ऑलवेज बोल दिया ना. मतलब एक तरह से आप बोलते कि समटाइम्स अम्बेडकर होता है ना कंसर्न वे एक मोर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट था दोनों टू में. द कॉम. हाँ मतलब कम्युनिटी इंटरेस्ट, ऐसा बोल सकते हो बस. बाकी नीचे सही आता है, कंसर्न अवेलेट हो गया, ये हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल हो गया उनका बेसिकली. हाँ टॉप डाउन अप्रोच था इनका, बॉटम से अप्रोच था, सोशल डिवीजन ठीक है. लेकिन मानसी का बस दो तीन पॉइंट, आपका अच्छा स्ट्रक्चर है. मानसी का जो पॉइंट है ना वो पेजेंट से रिलेटेड, लोकल बॉडीज और वुमेन, वो अगर डाइवर्स इसमें आ जाता है ना वो तो फिर सही हो जाता. आपका एंडिंग अच्छा, स्टार्टिंग वाला अच्छा है, दोनों अच्छा, कंक्लूजन भी अच्छा और इंटरेस्टिंग. स्टार्टिंग में मेरे को ये लगता है, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ जो क्वेश्चन बोल रहे कॉस्मोपॉलिटन मस्त था, एग्जैक्टली. अच्छा है वर्ड लिखा इंट्रोडक्शन हुआ. में मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो एग्जैक्टली क्वेश्चन बोल रहा है उसको मैं ना लिखूं, तो पहले दो तीन सेंटेंस तो आपके वही हो गए. नहीं पहले जो गांधी जी थे, गांधी जी अडॉप्टेड कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच, ये अच्छा शब्द, मतलब अच्छा वहां इन्होंने स्टार्ट से किया. पॉइंट स्टार्टिंग है, मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ हाँ कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बोल रहे सेम, उसको आप सेम वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके ना स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा. बस यही बोलना है. बाकी बाकी नीचे सही, अप्रोच, हाँ अप्रोच डायमेंशन सही है, और थोड़े और डाइवर्स ऑप्शंस हो. थोड़ा कम है, लेबर और पस एस सी एस टी है, इसमें वीमेन करनी है, प्रेजेंट करनी है, जो मानसी देखे रूरल एरियाज. तो बेसिकली आप दोनों आंसर अगर मिक्स कर दे तो बेस्ट.
ठीक है, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द हिस्ट्री सेशन.